आज यहाँ पर आया हूँ स्कूल के लिए, आप स्कूल की बातें करते हैं। जी जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि आज आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में यहाँ ब्लू बटरफ्लाई प्री स्कूल का उद्घाटन करने आए हुए हैं, तो और प्री स्कूल से क्या हटकर है इस ब्लू बटरफ्लाई स्कूल में? हमारे यहाँ पर जो स्कूलिंग होती है, ये स्कूल जिसका नाम हमने इन्होंने ब्लू बटरफ्लाई रखा है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसका बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं जिसमें भी आप जगह जगह पे आपको मिलेंगे प्राइमरी स्कूल, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए उसके पहले हम सिखाएंगे कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल लाना चाहिए। जैसे एक्टिंग में एक्टिंग स्कूल होता है कि आपको कैसे कैमरा फेल करना चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट औरों से इसलिए अलग है कि ये लोग ब्रेन से रिलेटेड प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं। यहाँ मतलब ब्रेन आपका कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा है, राइट का और काम होता है, लेफ्ट का और काम होता है, आपका मिड ब्रेन होता है जिसको अगर एक्टिवेट किया जाए तो आप पट्टी बांध के भी आप हाथ में कोई कागज़ रख दिया जाए तो आप बिना उसको आँखें खोले पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं लेकिन नहीं दी जाती हैं लोगों को। इसके अंदर जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट में जो सुना है देखा है कि इनके खेलने की चीज़ें भी सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, सीखने के लिए हैं। इनके अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टियां मैंने देखी है, मैंने अभी सवाल पूछा था कि ये प्रॉपर्टी औरों से कितनी अलग है, बोला सर औरों से बहुत अलग है, हमारे कहीं कहीं आपको ये 25% ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो इन्होंने चुने हैं ये हर स्कूल में है, जिसमें बच्चा जैसे बर्तन पड़े हुए हैं घर में काम आने वाले बर्तन पड़े हुए हैं। हर स्कूल में आप जाओ तो वहाँ तो कार्टून नेटवर्क होता है, या बॉल होती है, बैट होता है, या झूले होते हैं, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो खिलौने के हिसाब से सिखाई जाती है, कल्पना की शीलता में ले जाता है। यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट शायद मुझे इसलिए अलग लगा कि ये रियलिटी की तरफ लेकर जा रहा है, बच्चे को ज़िंदगी के लिए तैयार करना चाहिए। अगर बच्चा 2 से लेकर 6 साल की उम्र में अगर धीरे धीरे समझ जाए कि माँ मेरे कमरे में या मेरी दादी क्या करती है कमरे में क्या करती है, वो भी अगर सीख जाए, और धीरे धीरे उसको ये भी मालूम पड़े कि गिलास क्या होता है, गिलास का ये गोलाकार क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ऐसे कई चीज़ें मैंने देखी हैं जो मुझे पसंद आई हैं, जिससे बच्चे का दिमाग खुलता है। बच्चा सिर्फ खेल तो घर में भी खेलता रहता है, यहाँ पर भी आके खेले, तो अभी तक का कॉन्सेप्ट प्राइमरी स्कूलों का यही है कि बच्चे को यहाँ पर लाओ, टाइम पास करो, उनको स्कूल जाने की आदत आ जाएगी कि स्कूल कैसे जाना चाहिए। पर खेल कूद के अलावा शायद ही किसी प्राइमरी स्कूल में मैंने देखा होगा। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ब्लू बटरफ्लाई कर रहा होगा, और भी शायद लोगों ने धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें तो इनकी भी चुराई होंगी, या कहीं ना कहीं कॉमन सेंस होता है। बट मुझे ये इसलिए पसंद आ रहा है बटरफ्लाई स्कूल कि यहाँ पर आपको रियल मायने में उड़ना सिखाया जाता है कि कैसे उड़ेंगे आप, किस डायरेक्शन में उड़ेंगे आप दिमाग का यूज़ कीजिए। दिमाग होगा तो दिमाग कॉन्फिडेंट होगा, दिमाग हमारे शरीर का हेड ऑफिस है, बॉस है। अगर उसके अंदर आपने 6 साल की उम्र को, 6 साल की उम्र में मनुष्य का मस्तिष्क बड़ी उम्र के आदमी जितना हो जाता है, 6 साल में आपका जो ये ब्रेन जो 1.5 किलो का एक ब्रेन है आपका जो, वो विकसित हो जाता है पूरा, पर हम उनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा इस स्कूल में, यही फ़र्क मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इनका। मैंने दरभंगा में भी अटेंड किया है, और धीरे धीरे ये और भी जगह जगह सेंटर्स में खोल रहे हैं, लखनऊ में है, सो लखनऊ इज़ ए नाइस प्लेस। लेकिन पितामा जिन्होंने आज इतनी अच्छी बातें हमें बताई, ये भी कहा कि हम सब मराठी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के, लेकिन कोई हिंदुस्तानी नहीं कहता शिक्षा व्यवस्था के बारे में। बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वायदे तो बहुत करती है, लेकिन शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए जिस तरह के प्री स्कूल्स लखनऊ में हैं, उनमें से एक बटरफ्लाई प्री स्कूल भी है, उस तरह के प्री स्कूल्स गाँवों में भी खुलने चाहिए ताकि बच्चे खेल खेल कर सीख सकें। हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शक्तिमान साहब का कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया आज की खास मुलाकात कार्यक्रम में।